an approach that builds software applications as microservices and run them on a containerized and dynamically orchestrated platform utilizes the advantages of the cloud computing model. ठीक है, ये चीज हमें थोड़ी सी चीजें समझ में आई कि जब लोड ज्यादा हो रहा है तो हम इसी तरीके से एक से दो कर रहे हैं, दो से तीन कर रहे हैं, तीन से पांच से. कभी किसी ने कितने यूजर बैठे हुए किसी ने तो फेस टाइप क्या होगा, दो तीन साल पहले या चार साल पहले दराज में जब अपनी 11-11 की सेल निकाली, चाहे 2018 था या 2019 था, मुझे याद नहीं सीख है, तो उस दिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी 11-11 की सेल निकाली थी तो उनका सर्वर डाउन हो गया था. किसी को पता ही है? यस सर. उन्होंने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. उनको पता है कि मेरे पास यार लेट्स से 100, 200, 1000 या 2000 यूजर्स आ रहे हैं, अब मैंने सेल लगा दी, अब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अब वो हो गए 2000 से 5000, तो क्या हो गया, क्रैश कर गया. एक्सेसिबल इन फिर उन्होंने ये सब आपको अप्रूव किया. अब जब भी 11-11 की सेल या कुछ सेल आती है तो उसको प्रॉब्लम होती है? नहीं होता सर, नहीं होती ना. तो ये वक्त के साथ चीजें ऑटोमेटिक स्केलेबल हम करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि कभी आपको लोग का अंदाजा नहीं होता कि यार बाकी में इतना लोड आएगा. आपने सोच क्या होता है यार आज कल वैसे ही लोड इतना कम है और अनएक्सपेक्टेड लोड ज्यादा आ गया तो आपने क्या. तो ये चीजें हैं जो आप क्लाउड के ऊपर बहुत हैंडल कर रहे हैं. यानी लोड ज्यादा आ रहा है तो मैं क्या करूँ? ये दो कीवर्ड भी याद रखिएगा. आगे चलता है cloud native is out of how about application create and deploy not peer. ठीक है, इससे कोई टेंशन नहीं है कि हम कहाँ पर डिप्लॉय करें, हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, हाउ कहाँ, और ये इसकी हमें लेने की जरूरत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. AWS क्लाउड पर हम डिप्लॉय कर रहे हैं, अब वो क्लाउड कहाँ पर डिप्लॉय करेगा इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि हम AWS क्लाउड के ऊपर कैसे डिप्लॉय करेंगे, खत्म. ठीक है, ओके. अब cloud native app development typically includes इसको include, या जब हम cloud native application development की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? DevOps, agile methodology, microservices, cloud computing platforms, containerized application, orchestration system और continuous delivery. ये भी हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं. DevOps का क्या मतलब है? In short, in every modern method of application development. ठीक है, DevOps का क्या मतलब है कोई पता है? मैंने स्टार्टिंग में भी DevOps का नाम लिया था. DevOps का डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि थोड़ी देर के लिए बताएं कि ये सर्वर आपने बनाया, आप डेवलपर है और ऑपरेशंस का बंदा अलग होगा डेफिनेटली. जब हम कल एक बात करते हैं, अब आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने एप्लीकेशन बनाने के बाद आपने ऑपरेशंस के बंदे को बोला कि यार ये मैंने काम कर लिया, अब इसको डिप्लॉय कर दो, तो वो ऑपरेशंस का काम करेगा ना, डिप्लॉय करेगा इसको. अब इन केस वो ऑपरेशन का बंदा छुट्टी पर है तो क्या होगा? डिप्लॉयमेंट रुक जाएगी. डिप्लॉयमेंट रुक जाएगी. हो सकता है कि आप एक दिन में 2-3 डिप्लॉयमेंट्स भी करनी हो तो उसके लिए आपको हर दफा किसके पास जाना पड़ रहा है? ऑपरेशन के बंदे के पास. ऑपरेशन के बंदे बस, तो ये एक डिपेंडेंसी. ठीक है, डेवऑप्स के अंदर होता क्या है ये थोड़ा समझने की जरूरत है. डेवलपर्स कम ऑपरेशंस यानी ये चीज है. ठीक है, होता क्या है, प्लान होगा हमारा, कोई ना कोई प्लान होगा,
कि हम ये फीचर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्हाट एवर टू भी है आपको, उसके बाद आप क्या करते हो? कोडिंग ऐसे ही है ना, पहले आइडिया सोचते हैं, उसके बाद कोडिंग की तरफ जाते हैं, उसके बाद उसके बाद हम उस जो भी हमने काम किया उसकी क्या बनाएंगे, एक बिल्ड बनाएंगे। तो बिल्ड को बनाने के बाद हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? हम पहले डेवलपमेंट करते हैं, जब डेवलपमेंट हमारे साथ रेडी हो जाती है और हमारे मैंने सबको भी म्यूट कर दिया है, मैं वापस सवाल समझने की जरूरत है कि डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट के बाद हम जाते हैं, ये हमारे सिस्टम पे डेवलपमेंट होती है ना, लोकल सिस्टम पे हमारे पीसी पे डेवलपमेंट होती है सिस्टम पे, उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग, इसकी बनाते हैं बिल्ड, उसके बाद इसकी बिल्ड बनेगी, ये बिल्ड कहीं ना कहीं जाएगा टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग में जाने का मतलब यह है कि ये हम किसी अपने हमारे दो सर्वर होंगे, एक सर्वर होगा जो कि होगा प्रोडक्शन सर्वर, या तो हम कहेंगे उसको रिलीज सर्वर कहते हैं, हमारे पास होगा, और एक और सर्वर होगा जिसको हम कहेंगे टेस्ट सर्वर। ठीक है, थोड़ी देर के रिलीज सर्वर का मतलब ये समझे आप, अभी थोड़ी देर के समझने के आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन जो अभी करंटली चल रही है वो कहाँ पे मौजूद है, हमारी प्रोडक्शन के, क्योंकि जो हर कोई यूज कर रहा है पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो या तो या प्रोडक्शन वर्जन होगा या तो वो रिलीज वर्जन है आपका ना। ठीक है, सॉरी टेस्टिंग की बात करता हूँ, टेस्टिंग आपका कोई भी सर्वर कहीं भी आप कर सकते हैं, आपने कर दिया किसी भी एक सर्वर पर टेस्टिंग चाहिए, ताकि टेस्टिंग से फायदा ये हो जाएगा, ये आपको एक URL मिल जाएगा लाइक दिस सम काइंड ऑफ, तो अब आप कहोगे कि यार मैंने अपना काम कर लिया, बिल्ड करके मैंने टेस्ट कर लिया, टेस्टिंग के लिए सॉरी मैंने बिल्ड कर लिया, यहाँ तक अपना काम हो गया, अब मैंने टेस्टिंग सर्वर पे इसको डिप्लॉय कर दिया, आप प्लीज टेस्ट हो गया, अब आपके पास डेवलपर्स हो गए, या तो QA मौजूद होता है, यूजली QA क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा होगा, वो आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा होगा, जो आपने फीचर बनाया होगा उसको यूज करके, एंड देन क्या होता है, टेस्टिंग के बाद हम जाते हैं रिलीज पे, तो समझे सारी चीज़ें आपने अपनी कर दी, सारा काम हो गया, अब आप गए उसमें प्रोडक्शन के लिए, अब गए रिलीज पे गए आप, तो ये इसका साइकिल होता है। ठीक है, रिलीज पे वही डिप्लॉयमेंट कर दिया आपने, और फिर सब उसको ऑपरेट कर रहे हैं और मॉनिटर, ये दो चीज़ें क्या है ये मुझे बताएं, इसमें लिखा हुआ ऑपरेट एंड मॉनिटर, मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, फिर मुझे बता देता हूं। ऑपरेट एंड मॉनिटर का क्या मतलब है? आपको प्रोडक्ट यूज हो रही है और आप मॉनिटर कर रहे हैं, क्या ऑपरेट यूज हो रहे हैं वो कर रहा होगा, लाइव कर रहा होगा, कहते हैं ऑपरेट, तो जो यूजर हो रहा है वो इसको ऑपरेट कर रहा होगा, मॉनिटर या टॉप पर कर रहा होगा, नहीं यही तो मजे की चीज है इस पर, के ऑपरेट का मतलब ये कि ये आप सब ऑपरेट कर रहे हैं यानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, आप सब यूज कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट के बाद मॉनिटर, क्या कभी ऐसा हुआ जहाँ पे थोड़ा सा क्या फेसबुक के अंदर भी तो बग आते होंगे ना? जी एग्जैक्टली, मॉनिटरिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। अब मुझे ये बताएं, क्या कभी भी कोई बग आता है तो क्या आप रिपोर्ट करते हो उस वक्त, क्या ये बग आया फेसबुक? इस वक्त क्रैश भी इस रीजन की वजह से हुई होगी, तो इन वो अपने आपको मॉनिटर करें, मॉनिटरिंग भी ऑटोमेटेड भी हो सकती है और प्रोविजन भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग टूल्स लगाए हुए हैं तो उनको भी रिस्पॉन्ड तो जो है वो डेव टीम नहीं करनी, मतलब मॉनिटरिंग
डील में नहीं आ रहा कि क्या क्या होता है। मॉनिटरिंग का मतलब ये कि हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमें पता चल रहा है कि एप्लीकेशन यहाँ पे क्रैश भी, इस वजह से क्रैश भी, सारे काम हमने ऑलरेडी किए। तो ये आपको मॉनिटर आप करते रहते हैं कि अच्छा यार ये क्रैश हुआ, फिर आप वापस इसको प्लान करेंगे कि हाँ यार मेरी एप्लीकेशन क्रैश हुई है, ये बग आया, फिर वापस कहाँ पे गया वो कोड, कोडिंग में गया, बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, रिलीज हुआ, डिप्लॉय हो गया, जब वो बग फिक्स हो गया फिर आपने डिप्लॉय कर मॉनिटर करते हैं। ये देखिए कंटिन्यूस साइकिल चला। तो ये बताएं इसमें मैं डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। ठीक है, पहले थोड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि क्लाउड सर्वर और अलग अलग होते थे, हमें जिप फाइल उठा कर डालनी है, ये करना वो करना, अब ऑन कमांड ये सारे काम हो जाते हैं। तो अब डेवलपर बंदा ही ऑपरेशन को देख सकता है, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, काम ज़्यादा जरूर हुआ है लेकिन एक डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब आप एक फीचर को लेकर चल रहे हो तो एक फीचर आप बनाया भी, डिप्लॉय भी करते, सारा काम आप खुद ही करते हो, आप अजाइल डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग हमारे पास डेवलपमेंट साइकिल मौजूद है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो पॉइंट्स मौजूद है रिटर्न में, आप पढ़ लीजिएगा, अब यहाँ पे समझने की जरूरत है। असल में होता क्या है, इनिशिएट अप प्रोजेक्ट करते हैं, डिफाइंड मैं एक दफा और दे देता हूँ लास्ट टाइम, या किसी के पास हो वही प्लीज चैट पर पेस्ट कर दो यार, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अजाइल डेवलपमेंट किस तरह होती है। ठीक है, डेवलपमेंट के और बहुत सारे मेथड्स हैं, वाटरफॉल है, अजाइल है, अजाइल स्क्रम, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें, अभी छोड़ देते हैं सारी चीज़ें, हम सिंपल देखते हैं कि होता क्या है इसमें। इसमें कंटिन्यूस आइटरेटिव मॉडल लगा हुआ ही होता है आपके पास। ठीक है, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट देखा, आपने इसको डेवलपमेंट साइकिल में डाला, फंक्शनैलिटी ऐड की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सारी चीज़ें की, इसके बाद ये रिव्यू के लिए गया, आपने रिव्यू किया, आपने फीडबैक लिया। इसका मतलब क्या, आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, डेफिनेटली इनिशियल प्रोजेक्ट आपके पास होगा, डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स होगी, आपने डेवलपमेंट की, आपने उस कोड को थोड़ा सा रिव्यू किया, सारी चीज़ें ओके चला के देखा, उसके बाद आप लेते हो फीडबैक। फीडबैक कहाँ से मिलेगा, मार्केट से। मार्केट से मतलब के टू भी रेलिवेंट पर्सन को आप दोगे ना उसको टेस्ट करने के लिए, यार ये मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई है उसको प्लीज़ आप टेस्ट करो, तो वो लोग आपके टेस्ट करेंगे एंड देन आपको फीडबैक देंगे। अगर फीडबैक अच्छा होगा तो आप कहाँ पे लेके जाओगे उसको, मार्केट की तरफ लेके चले आओगे उसको, प्रोडक्शन रिलीज की तरफ। अगर नो होगा तो फिर वापस यही सारी साइकिल चलेगी कि आप देखोगे चेंजेस देखोगे कि फिर वापस क्या करना है, मुझे नेक्स्ट बैकअप करने की जरूरत है, वहाँ से फीडबैक मिला, फिर एक साइकिल चला, आपने रिव्यू किया, फिर फीडबैक मिला, फिर यस हुआ, फिर आप मार्केट की तरफ डाला, नहीं हुआ एक साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, बग आएगा, बग आप देखोगे हाँ यार फिक्स हुआ, डेवलप हुआ है। जो ज्यादातर यूजर मॉनिटरिंग करवाते ना लोग प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा करवाते, डेवलपमेंट में मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, इधर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, आपने कहा ना कि फेसबुक में कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई इशू आ गया, तो वो क्या अगर बड़ी डेवलपमेंट है तो उसमें क्या पहले नोट्स कोई या पॉइंट होते हैं टच पॉइंट जो कि वो मॉनिटर करते हैं, अभी हमने लॉग इन की फंक्शनैलिटी देखी थी, क्या होता है यूजर आईडी होता है, बल्कि लॉग इन की फंक्शनैलिटी को भी छोड़ दो ना, यहाँ पे गूगल का देखा था ना अपने, क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो कोई मसला आ जाए। गूगल ने बनाया हुआ है तो अभी चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी एप्लीकेशन बनाऊँ तो जैसा है इस टाइप की एप्लीकेशन बनाओ और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो पॉसिबल है कि क्रैश हो जाए या रिस्पॉन्स ना आए या कुछ भी, तो इस टाइप की मॉनिटरिंग आप करोगे कब, अब आप मॉनिटर कब करोगे, आपको पॉइंट पता है कब मॉनिटर करना है, जब इस पर क्लिक करो, तो ये सारी
कभी समझने के लिए कह रहा हूँ कि अभी आपको पता है यार इस बटन क्लिक पे हो सकता है मसला हो या ना हो, या तो मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो लोड होने पे डेटा आना चाहिए, अगर आता है तो इस तरीके से होना चाहिए, नहीं आता तो क्या है। तो ये सारी चीजें जो है मॉनिटरिंग, यस, तो ये सारी मॉनिटरिंग आप लोग कंटिन्यूस आप कहीं ना कहीं ये कर रहे होते हैं। सर आपने एक बिल्ड का वर्ड यूज किया था, तो ये बिल्ड है क्या, मतलब ये कंपाइलेशन होती है थोड़ा? कंपाइल होता है, समझने को कंपाइल होता है, कंपाइल तो कहीं नहीं होता, बिल्ड का मतलब इसमें कंपाइल वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी कंपाइल भी होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट अब भी हम जो कर रहे होंगे वो लेटेस्ट कर रहे होते हैं, पुराना ब्राउजर नए वर्जन को नहीं सपोर्ट करता, तो एक हिसाब से कंपाइल होता है। कंपाइल का मतलब यही है, एक दूसरे लैंग्वेज में समझ लें कि आपने कभी ये लिखा है कि एक मिनट दीजिएगा, अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक समझाने की बात बता रहा हूँ। इसमें दो वर्जन होते हैं मेरे पास, टेबल वगैरह है, मिनीफाइड और नॉर्मल। सर टेबल दिखा दो, मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्च करके उसे पता टेबल समझना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए एक क्या लिखा हुआ है, और एक क्या मतलब जरा देखिए, मैं ओपन करता हूँ उसको, देखिएगा क्या नजर आता है। अभी मैंने इसको कंप्रेस नहीं किया, ठीक है, ये अनकंप्रेस। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ मिनीफाइड वर्जन, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया देगा बिल्ड में बिल्ड आपको क्या करते हो। ये रहा मिनीफाइड वर्जन, ये देखिए क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है। एक मैंने वर्जन खोला हुआ है जो कि अनकंप्रेस्ड है, ये देखिए अनकंप्रेस्ड वर्जन है, इसकी लाइन ऑफ कोड देखिए, और ये कौन सा वर्जन है मेरे पास, लाइन ऑफ कोड देखिए कम है, ऐसा है वैसे, अगर आप देखेंगे तो इसके साइज में भी फर्क होगा, इसका साइज बड़ा होगा या इसका साइज आपके बाल का होगा, और आपके स्क्रीन नजर आ रही है मेरी अनकंप्रेस्ड, ठीक है। अब ये देखिए लाइन ऑफ कोड कितना होगा, ये देखिए इसका स्मॉल कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, और ये वाला पेज मिनीफाइड वर्जन ये कितना छोटा सा उसके मुकाबले, तो इस फाइल का साइज भी कम है और इस फाइल का साइज ज्यादा है। दो तरीके, या तो मैं कोड अपना इसी तरीके से देखू किसी को, तो डेफिनेटली इसका साइज बड़ा होगा, लेकिन जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए यही समझे कि जब मैं बिल्ड की बात करता हूँ तो ये बिल्ड वर्जन है मेरा, ये बिल्ड हो गया, और मैं जब डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो ये मेरा कौन सा वर्जन है, अच्छा सॉरी, अब समझ में आई बात आपको, सर आगे ये
मतलब ये तो हम कोड लिखने के बाद उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ ये समझते, फॉर्मेट चेंज थोड़ी देर के लिए ये समझते, समझने के लिए ठीक है। मैंने जब कोड लिखा तो ये देखें, ये साफ सुथरा कोड लिखा हुआ है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ यार ये लाइन बाय लाइन कोड लिखा हुआ है, स्पेस दिए हुए प्रॉपर, इंटेंडिंग प्रॉपर। लेकिन जब मैं इस वाले कोड को देखता हूँ इसका साइज भी छोटा है, लेकिन ये समझ भी नहीं आ रहा है, देखो एक लाइन में आ रहा है ऐसा है। ये समझिए आपने, ये बिल्ड वर्जन है, ये आपकी आपकी जब कुछ चाइनीज लिखी हुई है, हाँ तो बस वही चाइनीज जो है ना वो आपका साइज कम कर देगा। जिस फाइल का साइज अगर 1 MB है तो उस फाइल का साइज आपका होगा तकरीबन 0.5 MB आ जाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि उसकी जब आप बेल्ट बनाओगे तो कैसी बेल्ट बनाओगे, और 10 चीजें हैं लेकिन अभी समझने के लिए सिंपल वर्ड्स में ये मिनी फाइट, ये मैंने बिल्ड बना दिया। खैर ये करेंगे कैसे जब हम जावास्क्रिप्ट और इस टाइप की चीजों पे आएंगे तो देखते हैं, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दरमियान एक सिक्योरिटी लेयर भी जो है ना वो क्लियर देखिए जो फ्रॉड से ज़्यादा बढ़ गया, तो वो लेयर यहाँ पर मिसिंग नहीं है नर्वस सिक्योरिटी की। अभी हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन के वक्त ही होगी ना, तो या फिर डेवलपमेंट फेज के अंदर ये डेवलपमेंट फेज की बात है। अच्छा डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ मुझे डिप्लॉय करनी है, डिप्लॉय का मतलब ये हुआ कि मैंने आई थिंक लॉन्च करनी है सर। हाँ जैसे मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड मैंने डिप्लॉय किया। ये डिप्लॉय कहाँ पे किया, कौन से सर्वर पे किया मैंने, टेस्टिंग पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मैंने चेंज, मैंने कहा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें ओके, अब इस वाले को कहाँ पे डिप्लॉय करना, हेलो वर्ल्ड को, जब सब कुछ ओके हो गया तो दो सर्वर मौजूद है, टेस्टिंग और प्रोडक्शन। पहली दफा में आपने अपना कोड जो सेव किया वो किस पे किया, टेस्टिंग पे, ताकि दूसरे लोग टेस्ट कर सकें, और वहाँ से अगर आपको फीडबैक अच्छा मिल जाता है तो फिर आप उसको कहाँ पे अपना कोड को सेव करोगे या डिप्लॉय करोगे, प्रोडक्ट साइड पे, ताकि फिर सब यूज कर सकें। कभी आपने ये फेस किया या देखा है कि जब फेसबुक ने अपना एक नया फीचर इस तरीके से बहुत सारे निकाले, वैसे एक फीचर निकाला था तक लाइव वाला,
जो वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग वाला होता है वो जब रिलीज किया था तो वो सब यूजर्स के पास नहीं था, कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के पास था और बीटा टेस्टर्स होते हैं तो ये कैसे होता है, मतलब इसका भी तो रीजन है ना, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर चीज़ें आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है ना जी। तो फेसबुक आप लोगों को ही चीज़ें नए, मतलब नया फीचर आप लोगों से टेस्ट करवा रहा होता है, भाई आप टेस्ट करो, अगर आपके पास कोई मसला आएगा तो हम देखेंगे, फिर उसको सारी चीज़ ओके हो जाएगी, फिर वो प्रोडक्शन में लेके आया और जब वो प्रोडक्शन में लेके आया तो फिर वो सबके लिए अवेलेबल हो गया, ऐसा था अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम आते हैं। ओके अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा माइक्रो सर्विस और ये वही वाली बात है जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सिस्टम को हमने माइक्रो सर्विस की तरह सोचना है और आपका कोड बैटरी कपल नहीं होना चाहिए, स्मॉल एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन होगी हमारी और एग्जैक्ट वन फंक्शनैलिटी, अगर यूजर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो एक ही जगह होनी चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो एक जगह है और वेल बाउंड्री API जो वही वाली बात है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपका आ गया जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे फॉर कम्युनिकेशन और गेट डेवलप एंड ऑपरेटेड रिलेटिवली स्मॉल टीम। इसमें आपसे फ़ायदा ये हो गया कि आपकी एक स्मॉल टीम बन गई, जैसे यूजर से रिलेटेड मॉड्यूल था तो उसकी एक अलग टीम मौजूद है, प्रोडक्ट से रिलेटेड टीम का उसकी टीम अलग है, तो इस तरीके से एक ही पूरी बड़ी टीम नहीं है, अब टीम भी छोटी छोटी हो गई है तो हैंडल करना बहुत आसान हो गया। बेनिफिट्स इजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, ये भी हमने समझने की कोशिश की। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ है रैपिडली किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं और बहुत फास्ट बन जाती है, अलग अलग सर्विस इसमें अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम आएंगे, अगर प्रोडक्ट में मसला आएगा तो वो टू भी वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, दूसरी चीज़ों को आपको वो इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, स्केलेबल मोर एफिशिएंट हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सारी चीज़ें माइक्रो सर्विसेज बनी हैं तो एक एक सर्विस को अगर स्केल करना है तो उनको मसला नहीं, या अगर यूज़र पे लॉग इन ऑथेंटिकेशन पे लोड कम होता है जबकि प्रोडक्ट्स और दूसरी चीज़ों की लोड ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो मैं टू भी वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सर्विस को स्केल करूँगा ना कि यूज़र की सर्विस को स्केल करूँगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या ये हाजी क्या लिखा भाई ये क्या मतलब हम जितना यूज करेंगे उतना ही पे करेंगे, सिंपल वर्ड, हम अगर यूज नहीं कर रहे तो हम पे भी नहीं कर रहे, हाँ डेफिनेटली कम ही होगा बच्चे ना होने की बता पड़ी होगा। अच्छा जिस तरीके से आप चैलेंजेस आते हैं जैसे हम मोनोलिथिक कोड लिख रहे तो उसके अपने चैलेंजेस हमने थोड़ा सा डिस्कस किए, इसके भी चैलेंजेस हैं इस तरीके से, क्योंकि जब हमारे पास इतनी सारी सर्विसेज मौजूद होंगी तो फिर हम उसको हैंडल किस तरह करेंगे, सर्विस को इस तरीके से करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा अगर स्केल कर दिया हो सब ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज आपने बना दी तो भी मसला है कि इतनी ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज बना दी तो उसको हैंडल करना है, उसकी एफिशिएंसी को देखनी, ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि भी हमें देखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ही यूज़ करने का क्या मकसद है, ये काम तो मैं अपने सिस्टम में भी कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास दिखी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है और अभी मेन टॉपिक तो अभी स्टार्ट होने वाला था डॉक्टर का कंटेनर्स और ये हमारे पास ऑर्केस्ट्रा सिस्टम कुबरनेटीस, मैं क्या था आज की क्लास यही किसका पहले चार क्वेश्चन सॉरी जब आपने क्लास स्टार्ट की बात करो की बात करना था
मैं आपसे एक काम करता हूँ ना, मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूंगा ना। अच्छा, शेयर करने के लिए जैसे हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस क्या किया था, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा, ये क्लास हम यहीं पे थोड़ी देर में एंड करेंगे, तो मुझे सिर्फ एक मिनट दिया, मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक देता हूँ, तो आप वो सारे ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो मैं आपसे ये प्रेजेंटेशन और सिलेबस दोनों चीज़ें शेयर कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको ये मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला पोर्टल के ऊपर। ठीक है, सर आपने कहा था कि एंड में आपके पास फुल स्टैक इस ऐसे की बात दी थी डेवलपर, फुल स्टैक ठीक है, दो किस्म के डेवलपर्स अभी आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर के फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब ये मैं बना रहा हूँ, व्हाट्सएप बना रहा हूँ, हमें बताऊँगा कि हम लोग की स्कीम ऑफ स्टडी के तरीके से जो असाइनमेंट्स होंगी एग्जाम टीचर होगा क्या होगा जनरल कोर्स के किस लेवल पे होगी थोड़ा आप डिटेल बताओ। जैसे ये क्वार्टर कंप्लीट होगा लिनक्स होगा तो आई थिंक लिनक्स का टेस्ट से होगा, डॉक्टर कंप्लीट होगा तो डॉक्टर का एग्जाम होगा, और डॉक्टर लेने का देन कुबरनेटिस का एग्जाम होगा। मतलब ये कि उसमें असाइनमेंट नहीं होंगी, आप एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा या कुछ ऐसा ही है आपका अभी ऑनलाइन एग्जाम होंगे, असाइनमेंट्स भी हम लोग अगर आपको कहेंगे तो मैं क्लास में देखता रहूँगा किस तरीके से, फिर मैं उसके कुछ असाइनमेंट बिल्कुल थोड़ा सा आपको बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा है, तो आपको बुक डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप देख सर जो फोटो अवेलेबल है आपकी ई बुक जो है दैट इज व्हाट्सएप शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जी बोलिए आप सॉरी कहाँ पे क्या सॉरी सवाल था। अच्छा मैं पुलिस टैग बता दूँ, पुलिस टैग का मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा फ्रंट एंड डेवलपर्स, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड की बात की ना मैंने, तो फ्रंट एंड के लिए आपको फ्रंट एंड की चीज़ें आनी चाहिए लाइक रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया या व्यू हो गया इस तरीके से, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड, अगर ये सारी चीज़ें आती है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। बैक एंड के लिए आपको चाहिए कि आपको बैक एंड के लिए डेटाबेस आनी चाहिए, डेटाबेस के साथ सर्वर साइड की कोई नॉलेज होनी चाहिए लाइक पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट में किसी भी तरीके से, तो ये आपका हो गया वेरी स्पेसिफिक बैक एंड साइड। पैकेट साइड आप करते हो तो पैकेट डेवलपर, फ्रंट एंड साइड करते हो तो फ्रंट एंड डेवलपर, अगर आपको दोनों चीज़ें आती है फ्रंट एंड भी आती है और पैकेट भी आती है तो आप क्या कहलाओगे? फुल स्टैक डेवलपर। और साथ साथ अगर आपको ऑपरेशंस भी आते हैं तो क्या कहलाएंगे आप? डेवॉप्स इंजीनियर और मेरे ख्याल से फुल स्टैक डेवलपर। सर जो ई बुक अवेलेबल है पोर्टल पे सर वो मोर देन एनफ है सर पढ़ने के लिए? गुड एनफ है, बहुत गुड एनफ है। ज़्यादातर मैं आपको वेरी स्पेसिफिक बताऊँ, अगर ज़्यादातर अगर हम लाइफ की बात करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स की, तो बुक वाली जो थ्योरी है ना वो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती है, और अगर रियल लाइफ के लिए तो आपको प्रैक्टिकल करना है ज़्यादा। यही कह रहा हूँ, जब हमारी क्लास अभी स्टार्ट होगी ना तो लिनक्स, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन खत्म होने के साथ फिर हम लोग लिनक्स पे जंप करेंगे, और लिनक्स पे जाने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि टूटा चलते हैं, कितने लोग आप लोगों में से मैक यूज कर रहे हैं? तो मैं भी हम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और कितने लोग ऐसे हैं जो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं? जी सर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत से लोग बहुत यूज़ करते हैं। हाँ यही सवाल है,
कितने लोग ऐसे हैं जो विंडोज यूज कर रहे हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आपके हाथ में, आप वर्चुअल मशीन में यूज करते हैं अपने सिस्टम में, आप किसी भी तरीके से लिनक्स यूज करते हैं, क्योंकि लिनक्स के टाइम पे आपको लिनक्स सीखना है, उसकी कमांड सीखनी पड़ेगी, उसके साथ साथ भी जब हम आगे डॉकर के लिए जाएंगे तो सारा काम भी लिनक्स के अंदर ही कर रहे होंगे, डॉकर भी लिनक्स में ही पड़ेंगे, अपने यूनिटीज का सर्वर बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे अपने सिस्टम के अंदर ही, वो भी हम लिनक्स में बनाएंगे, लिनक्स बहुत जरूरी है। विंडोज के ऊपर वीएम बना के भी कर सकते हैं, विंडोज के ऊपर आजकल वीएम के लिए यूज करते हैं WSL, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, मैंने ग्रुप पे डाल दिया ना, आपको ग्रुप बन गया, सारे ज्वाइन कर लेंगे आप, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन लिंक दे दूंगा, अब तीन चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, मेरी जिम्मेदारी मैं आपको दूंगा, प्रेजेंटेशन लिंक दूंगा मैं आपको, दूसरा मैं आपको दूंगा सिलेबस का लिंक, और तीसरा मैं आपको दूंगा WSL लिंक कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ पर, ठीक है? मार्केट साइज के बारे में भी बात करें, और ये भी बताएं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर हम ये कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, अच्छी चीज ये कि इसमें वेरी स्पेसिफिक डेवऑप्स नहीं है, इसमें पूरी डेवलपमेंट है आपके पास, फ्रंट एंड बैक एंड पे डेवऑप्स, ये चीज़ें हैं इसमें ना। अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो डेवऑप्स की मार्केट साइज अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज हायर कर रही हैं रिमोट वाला डेवऑप्स बहुत कम है, ठीक है? टू बी वेरी स्पेसिफिक बता रहा हूँ आपको, जो आज के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आज के लिए यही तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू सर, छोड़ना चाहिए सर, व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दीजिए एक दफा सर, मैं वापस एक और क्वेश्चन है वापस कर दिया, छोटी सी वीडियो कर दीजिएगा, मैं वो ये कह देता हूं ये मैंने कर दिया, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहा हूं सर, ठीक ही बोले सर, नेक्स्ट क्लास के लिए सॉरी नेक्स्ट क्लास के लिए ये जूम का लिंक जो जोड़ा गया है, हां ये पूरे पूरे थ्रू आउट द कोर्स यही चल रहा है सर, आपसे क्वेश्चन है, हैव अ क्वेश्चन और मैंने आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, तो इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर ली है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू फॉलो विद यू, पर मुझे ना बीच में काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आई, और कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझ आई, क्योंकि बिल्कुल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट क्लास है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो मटेरियल शेड है वीडियोज में और बुक्स जो शेड है उसमें सर क्या पढ़ना चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि ये भी थोड़ा सा फिर समझ आ जाए, अगर आपको ओपन रनिंग करना है तो अपने आपको लिनक्स पे करके लिनक्स पे करके आएगा मतलब सर इंस्टॉल करके आएगा इंस्टॉल से मतलब कि जो बुक्स भी शेयर की है ना लिनक्स आप जी के साथ, हाँ तो बस वो लिनक्स की बुक थोड़ी सी पढ़ना स्टार्ट कर दें, फिर हम लिनक्स और जो चीज़ समझ में नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको स्किप कर देंगे, मुझे पता है कि पहली क्लासेस तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी अगर बैकग्राउंड से आते हैं और बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं होता एक मिनट दीजिएगा, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप मतलब कंसिस्टेंटली साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें बड़ा होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
यार मोबाइल से ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट क्लास में तो फिर तो प्रैक्टिकल भी हम साथ ही क्लास में करेंगे ना. अब जैसे मैं लिनक्स पढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ पढ़ाता रहूंगा, प्रैक्टिकल भी होगा. ये था थ्योरी क्लास समझ लिया, इंट्रोडक्शन क्लास थी तो इसलिए कुछ भी नहीं किया. नेक्स्ट क्लास से जो है सब होंगे वो आपको करना तो चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, लेकिन ये ख्याल रखिएगा अपना डेटा वगैरह सेव कीजिएगा. जी जी सॉरी, क्या व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल पे ज्वाइन करने की बात कर रहा था? हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल पे ज्वाइन करना. सर लिनक्स का कौन सा फ्लेवर होगा? लिनक्स आप लोग, मैं आई वुड सजेस्ट कि यूबर टू यूज करें ताकि बहुत जबरदस्त है. जबरदस्त से मतलब कि सपोर्ट अच्छी है. बता दे 16 या 20 कर ले. 20.4 आई थिंक ना. 20.4 सर, आप मैक यूजर के लिए भी बताएंगे लिनक्स किस तरह इंस्टॉल होगा? मैक यूजर है तो टेंशन नहीं है. सर मेरे एक प्रश्न है. सर तो क्लास जो है ना डिस्कशन भी है वो एक्सपर्ट आपकी तरफ में आते था, तो जो एक्चुअली बिगिनर्स है मेरे तरह के उनकी ना बहुत सारी बातें जो कि एक्सपर्ट और आपके संस्थान में रहेगी ना वो हमारे ऊपर की जिंदगी है. तो कहानी तो नेक्स्ट क्लास में आपने ये पॉइंट भी क्लियर करनी है कि आप हमें भी साथ में सब बताए करें. सर मैं देखिए कभी कभार रुकने के लिए सवाल पूछता रहा होता है, आप उसको रिस्पॉन्स दे रहा होता. अब मुझे ये नहीं पता कि बात है तो आप लेकिन आप पूछ सकते क्लास के बीच में, इसलिए फ्रीडम रखा हुआ है. लेकिन नेक्स्ट क्लास में सर कर रही है इंट्रोडक्शन की सारी चीज़ें बेसिक्स हैं. लिनक्स में जब आएंगे तो हम सारे एक पेज पे होंगे तो सब एक ही लेवल पे चल रहे होंगे. बेफिक्र डिमांडिंग है. इन शॉर्ट अगर आप सब कुछ करते अगर आप भी सर्टिफिकेशन भी करते हैं उसके साथ, सर्टिफिकेशन के साथ तो और ज्यादा जॉब रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं. देखिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज़ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है. हम लोग एप्लीकेशन एसोसिएट एप्लीकेशन डेवलपर बन रहे हैं ना AWS करके. अभी जो बनेंगे सर आप सर्टिफिकेशन बताने लगे थे. सर्टिफिकेशन, हाँ सर्टिफिकेशन AWS की भी कह रहा हूँ, AWS एसोसिएट डेवलपर. ये वाली अगर सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो काफी मार्केट में जॉब्स हैं. व्हाट है उनके प्राइस क्या होता है सर? हम प्राइस ऑफ वन सर सबमिट क्या वीडियो बुलेट पॉइंट में अगर आप बता सके क्या क्या सर के आज हम ये जैसे गॉड माइंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मैसेज है. जी सर चलो ठीक है. रिकॉर्डिंग थैंक यू सर. रिकॉर्डिंग में ग्रुप का अवेलेबल करवा दो. थैंक यू सर. रिकॉर्डिंग स्टॉप. मुझे कुछ छोटा हूँ मुझे.